मेहनत करती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी हूँ। तो आप सभी को पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक, और हम लोग बहुत खुश नसीब है कि हमें ये साल भी नसीब हुआ है। इनकी थोड़ी सी आवाज जो है ना वो लड़खड़ा रही है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो रमजान का महीना है ये बहुत नसीब वालों को मिलता है और बहुत खुशी खुश होना चाहिए उस इंसान को, जैसे कि मैं हो गया, तमाम जितने भी मुसलमान हैं उनको खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इस साल भी मौजूद रखा है इस महीने के लिए। तो इस महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। इबादत तो आप हर वक्त करें। मैं बस अभी सोकर उठी हूँ, चलिए चलते हैं और प्रिपरेशन करते हैं सहरी की। जैसे कि मैं हमेशा ही आप लोगों से बोलती हूँ, इस बार भी बोल ही रही हूँ। जो ये व्लॉग बनाते हैं ना हम रमजान के, जो आपको 30 व्लॉग देते हैं, ये सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत के लिए देते हैं कि आप लोग कहते हैं कि रमजान में व्लॉग आएंगे ना, तो हम सिर्फ आप लोगों के लिए देते हैं क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हैं, आपने ही हमें इस मुकाम पे पहुंचाया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन दोनों बहन भाइयों का प्यार उमड़ रहा है। नौरिन बाजी उठी नहीं है, जैसे कि शादी के बाद थोड़ी सी काम चोर हो गई हैं। खैर छोड़ी इन बातों को, तो जैद भाई बाजी का सर दबा रहे हैं और बाजी को चिपड़ी बातें करके अपने बातों में ले रहे हैं ताकि उनका कोई काम हो जो कि पूरा हो जाए। बाकी जैद भाई को नौरिन बाजी मुंह नहीं लगाती हैं, मुझे लगाती ही नहीं है, मैं तो अपनी बात करूंगा ही नहीं, बचपन से ही मुझे इन्होंने बहुत मारा है पीटा है, तो बचपन से मुंह नहीं लगाती। बाकी फिर जिंदगी में एक जैद नाम का लौंडा आ गया, फिर इसका इसको मुंह लगाने लगी, फिर जब देखा बाजी ने कि ये ज्यादा मुंह लग रहा है तो इसको भी मुंह लगाना छोड़ दिया। खैर छोड़े इन बातों को, माशाल्लाह से पेड़े बनने की तैयारी हो गई है। और ये देखिए जैद हमारे चिपड़ी बातों में लग चुका, देखो कैसे बंद पे से कैसे छुटा छुटा के खा रहा है। तो ये मेरी मलूक बीवी मेहनत करने के लिए खड़ी हो चुकी है, ये मुस्कुरा रही है साइड साइड से। मलूक मतलब की खूबसूरत हजरत, ये अल्लाह की सजा है, इसने बाहर आवाज मारी अभी, सभी हजरात थक देने से ये सर में लगाई। मैं एक चीज आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये गुड़ है, गुड़ 5 किलो का, ये हमारी बड़ी अम्मा के लिए आया था अब से 6 महीने पहले, आज तक उनके घर नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि इस पर नजर थी हमारे जैद की गंदी, जबरदस्ती। ये नहीं चाहता था कि मेरी बड़ी अम्मा के यहाँ ये पहुंचे, ये नहीं चाहता था कि मेरी आशी बाजी इसे खाए, ये चाहता ही नहीं था। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि आप लोग हमारी फैमिली हैं, अगर हम आपके बारे में कुछ उल्टा बोलेंगे तो आपको भी देखो बुरा लगेगा जैसे हमें लगता है। पहली बात तो आप किसी को कमेंट कर रहे हैं तो आप ये देखिए, वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, ठीक है, और किसी के घर की बहू है, किसी की वाइफ है। तो किसी को कमेंट करने से पहले आप ये देखिए आपके घर में भी, फैमिली में भी गर्ल्स है, वुमेन्स है, माँ है, बहन है, बेटी है। तो इस तरीके के कमेंट्स आप लोग करते हैं बहुत बुरी बात है। आप लोगों को किसी को बिना देखे बिना जाने आप लोग कुछ भी बोल देते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है आप लोगों की। हमारे पहले से व्लॉग देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि कौन कौन हमारी फैमिली में कौन है कौन नहीं है, क्योंकि हमने बहुत बार मेंशन किया है अपने व्लॉग्स में कि ये हमारी बाजी है, ये है, सारे रिलेशन जो है ए टू जेड हम लोगों ने मेंशन करे। आते थे कमेंट्स कि आप इनके बारे में बताइए, इनके बारे में बताइए, तो हम लोगों ने आपको सब कुछ बता रखा। सबने ही ब्लेसिंग्स दी है, ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग बहुत बुरे हैं और सारे लोगों ने बैड कमेंट्स करे हैं, नहीं, सबने बहुत अच्छे करे, कुछ ही थोड़े बहुत लोग थे जिन्होंने गलत कमेंट करे। कमेंट से या उन बातों से फर्क नहीं पड़ता, मेरी शादी के बाद से ही बाजी का रिश्ता लगा हुआ था। और आप लोग जो कहते हैं कि आपने नहीं ढूंढा, ये नहीं करा, वो नहीं करा, तो देखिए सबकी अपनी लाइफ है, अपनी चॉइस है, सब को हक है शादी करने का और सबकी अपनी खुद की पर्सनल लाइफ होती है। करिए बाजी की भी लव मैरिज हुई है, ठीक है। और आप लोग जो ऐसे कमेंट्स करते हैं ना, तो प्लीज ऐसे कमेंट्स मत करिए, किसी को हर्ट हो सकता है, तो प्लीज ऐसा आइंदा मत करिएगा। बच्चे नानी के घर आते हैं क्योंकि असल में आप लोगों को पता है कि मेरी अम्मी नहीं है, मेरी अम्मी का इंतकाल हो चुका है, फिर बाजी ही थी लास्ट में जो रह गई थी शादी के लिए। तो जब बच्चे नानी के घर और नाना के घर आते हैं ना, तो मेरी बाजी ने ना उन बच्चों को ऐसा ट्रीट किया कि उनको कभी फील नहीं करने दिया कि वो उनकी नानी नहीं है या उनकी नानी का इंतकाल हो गया, तो इसलिए बच्चों को ज्यादा उनसे लगाव है। बाजी ने उन बच्चों को पाला है अपने हाथों, हाँ, अपने हाथों से, वैद ने पाला अपने बहन भाई को, शैल ने पाला है। क्योंकि जो भी करेगा कमेंट वो करता रहे, हम उठाएंगे सीधा ब्लॉक कर देंगे, हमारे पास ऑप्शन है बहुत अच्छा, हमें फर्क नहीं पड़ता। कि ये पहले रमजान हो रहा है कि हम पापा नहीं है घर पे और बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि पापा जब होते हैं ना तो घर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और अभी बुरा सा लग रहा है। इंशाल्लाह आप लोग दुआ करिए पापा जल्दी से घर आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम सहरी करने के लिए बैठ चुके हैं। एक चीज की तकलीफ है, सहरी तो करेंगे हम, सहरी करना सुन्नत है,
बस तकलीफ इस बात की है और दुख इस बात का है कि पापा नहीं है घर पे, क्योंकि पापा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। अल्लाह से दुआ करता हूँ और आप लोग भी दुआ करिएगा अल्लाह से कि अल्लाह पाक इस रमजान की बरकत से, इस रमजान के महीने में मेरे पापा की तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और मेरे पापा जल्दी से घर आ जाएं। पापा नहीं है तो ऐसा खाली खाली पन रख रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह की जात पे, अल्लाह के रसूल की जात पे पूरा यकीन है, इंशाल्लाह पापा जल्दी ठीक होंगे और हमारे साथ में ही अफ्तार भी करेंगे और सहरी भी करेंगे। तो आज हमारी मैडम ने बनाया था आलू गोश्त, ये देखिए, और इतनी इतनी सी रोटी, हाथ बड़ा है, रोटी देखिए कितनी सी बनाती है हमारी मैडम। तो जितने बड़े हाथ है इनके उतनी ही बड़ी ये रोटी बनाती है। अब लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूँ, माशाल्लाह से मेरी बीवी में कोई कमी नहीं है, हकूक मेहनत करती है, इज्जत करती है, इज्जत करती है, थोड़ी इधर उधर समझ जाओ, एक कमी है कि मेरी बीवी की मूछें आती है। कैसे है सर ये अपनी बातों में, और ये पार्ट डलना चाहिए, मैं काट दूंगी। तो पता नहीं, तो अल्लाह के शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी सहरी हो चुकी है कंप्लीट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी हूँ। तो अभी जो है इफ्तार का टाइम हो चुका है, तो इफ्तार की जो भी प्रिपरेशन है वो करेंगे, और आप लोगों की वजह से ही हम लोग ये व्लॉग्स बना रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की फरमाइश थी कि आप रमज़ान के डेली व्लॉग दीजिएगा, तो इसलिए हम लोगों ने पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आपको डेली व्लॉग दे। जान के अभी फर्स्ट रोज़ा है तो उसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो चलिए चलते हैं किचन में। वो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें कट करके रख दी हैं, आप देख सकते हैं। आज मैं ऐसे वाले आलू की भी बनाने वाली हूँ, वो मैं आपको भी बताऊँगी कैसे बनेगी। और ये रहा बेसन, ये रहा ये, ऑयल भी गर्म हो रहा है अभी, फ्राइंग तलेंगे। और ये रही मैं, और मेरा माँ बहुत पहले से अल्लाह का शुक्र से काफ़ी अच्छा हो चुका है, अभी नहीं दिखता है उतना ज़्यादा, बस थोड़ा बहुत ही रह गया है, बाकी इसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, इंशाल्लाह जल्दी से ये भी चला जाएगा। गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बन के हो रही है रेडी। अस्सलामु अलैकुम, तो कैसे हैं आप लोग? तो वक्त रह गया है 40 मिनट और तैयारी माशाल्लाह स्टार्ट हो चुकी है अफ्तार की। तो इंशाल्लाह पहला रोजा हमारा बहुत अच्छा जा रहा है और महसूस तो हो ही नहीं रहा माशाल्लाह से। तो जैसे कि हर साल आपको देखने को मिलती है दाल, इस दाल के ऊपर वही दाल है। ये है आपके आलू के, ये क्रिस्पी आलू की, क्रिस्पी आलू की वो बन रही कुछ अलग। ये हो गई आपकी फ्राइम हो रहे, और तुम्हारा कचरी आलू पालक की पकौड़ी चेक। ये फिर अब ये मेरी फेवरेट मिर्च बड़ी जा रही है, और भरने वाली लड़की ये है। ये आप काम कर दो शायद जी, बताइए क्या काम करना है आप ना, इसमें चीनी घुलेंगे शायद या फिर घोल दो। अच्छा बस। हरीश भाई कैसा जा रहा है आपका दिन आज का? अल्लाह का शुक्र है। आवाज नहीं निकल पा रही है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कहना भी सही नहीं है कि रोजा लग रहा है, क्योंकि फिर गलत हो जाता है ये। हाँ माशाल्लाह जी भाई साहब, फुल मेहनत चल रही है। इतना ठंडा मौसम है कि ज्यादा गर्मी का कोई एहसास है नहीं। मैंने भी देखो गर्म सा स्वेट शर्ट पहना है और मौसम ठंडा है माशाल्लाह। ये साइड से चेहरा दिखाया बाजी का। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो आज का कार्य स्टार्ट हुआ है माशाल्लाह से, कार्य बहुत अच्छा है। उधर की तरफ ओ इनकी फेवरेट है, चल आपकी वजह से मैंने इन्हें कट नहीं करा, ऐसे ही बना रही। हाँ ये फुली थोड़ा सा पीछे को होके खड़े हो तुम, जरा तुम्हारे निशान पे देखो वो आएगी। कोई बात नहीं, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, टेंशन। दमक तो नहीं लग रही? नहीं दमक। चलो तैयारी किचन में आ रहा है, वो काम से काम करना पड़ेगा, चीनी खोलो। चलो चीनी खोल लेते। अपने घर पे था शैल भाई का, मेरे पास कॉल आया, उन्होंने कहा कि घर पे आओ। मेरा दिल नहीं लग रहा, मेरा दिल ये पुकारे आजा। मैंने कहा चलो मैं आता हूँ, तो पहला रोजा हम यहीं खोलेंगे इंशाल्लाह। काम में हाथ बटाना चाहिए घर के औरतों का भी, समझ रहे हो गाइस? चलो बारिश की मम्मी सुन
लो, अब किचन में बिठा रखना लड़के। इस चीनी घोलने का काम मैंने इनके हाथ में दे दिया है, अब ये घोल रहे हैं चीनी। अल्हम्दुलिल्लाह से अफ्तार का वक्त करीब आ रहा है और हम लोग बैठ चुके हैं दस्तरखान पर, अफ्तार लगा दी है तो आज माशाल्लाह ये पकौड़ी बनी है। आपको क्या ही दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए ये सब चीज वही सेम शारिक भाई के यहाँ से आया है पकौड़ी, और ये देखिए ये आलू की ये मैंने दूसरी टाइप से बनाई है, अगर ये अच्छी लगी तो मैं कल भी ऐसी बनाऊंगी। और ये देखिए खाने के लिए कैसे बैठे हैं, तो दुआ कर लो सब लोग मिलके। अब चलो दुआ कर लो, नहीं ना जहद आजा, हो गया आजा बेटे, हो गया, दुआ भी नहीं मांग पाए हमने, हो गया। इतना सुकून मिल रहा है, क्या पढ़ा है मैंने, क्या तो जरूरी नहीं है, उसका कोई मसला नहीं हो, पता लगा कोई रोजा है। पहले मौलाना खाते हैं फिर उसके बाद बजाते हैं, दूसरी मस्जिद में कब का होगा। ये तो अच्छी लग रही है यार, तुम्हारी मुंह की आवाजों से पता लग गया। कैसी भाजी, बहुत तेज हो गई से, मैं बढ़िया लग रही है, थोड़ी हल्की कर दी है, मैं थोड़ी हल्की कर दी है, ज्यादा है वैसे, थोड़ी हल्की कर देना बस। अल्हम्दुलिल्लाह से आज का रोजा हुआ मुकम्मल, तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रोजे पे, तो तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए, व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा प्यार देना, बहुत सारी दुआएं देना हम लोगों को, और फैमिली फ्रेंड्स में हमारा व्लॉग शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। अल्लाह हाफिज, दुआओं में अगेन याद रखें। बाय बाय।